कहाँ से आया? मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। भागलपुर से आ रहे हैं। यहाँ का पता आपको कैसे मिला? मैं 3 महीना से जो है नेट पे वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मेरे को लगता था जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो एक बार जो है मतलब कोशिश किया मैं आने का, तो एंड टाइम में मैं आया। मतलब वो दिन बैठने का नहीं था, मैं वापस होके चला गया। फिर मैं आया एक दिन, तो जो भी था मेरी परेशानी हम आकर के यहाँ पे मिले और अपनी परेशानी जो है कुछ ख़त्म करवाए थे, कुछ बाकी था तो आज हम करवाए थे। मेरे को ऐसा लगा कि इस जगह पे अपनी अम्मी को लेकर के जाना चाहिए, इसलिए कि इनको हाजिरी आता था। कितने साल से हाजिरी आती है? इनको लगता है कि ये परेशानी बहुत दिन से है। और मज़ार शरीफ वगैरह पे जाते हैं, ये मखदूम पाक का तो मज़ार है, और हमारे ज़िला में जो है शहबाजिया है एक मज़ार शरीफ, हर जुमरात वहाँ अम्मी जाती है और वहाँ पे हाजिरी भी आता है। अगर बर्बाद इस तरीका से किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं विदेश रहता था और मेरी शादी 2020 में हुई है, और अभी दो साल से केस मुकदमा मेरी बीवी से खुद मेरा चल रहा है, मेरे ससुराल वाले से केस मुकदमा खुद चल रहा है। चलिए अभी हाजिर हुआ है तो उससे बातचीत करते हैं। यूट्यूब पर वीडियो जाएगी आपकी, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मगर नाम जो है मेरी, हाँ, जिनका नाम अगर ओपन होगा उनका नाम नहीं डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जलाल। जलाल नाम है? हाँ। कैसे मर गए थे तुम? हम कहाँ मरे हैं? मर गए तो तब तो तुम इसके ऊपर हो। बहुत दिन से परेशान इसको करते। तो तुम कितने साल हो गया तुम तुम्हारे? मेरे बरस तो 20 साल हो। 20 साल पहले मर चुके। कहाँ से इसको पकड़े? मजार शरीफ से। हम कितने साल पहले? 15 साल पहले। कौन मजार से? सारी बात आप क्यों पूछते हो? बोलो, आप क्यों पूछते हो सारी बात? किस मजार से पकड़े? हम बाप मायकन इसके थे। हुँ? इसके बाप मायकन थे हम। इसके बाप मायकन हम थे, बच्ची जो थी वहीं रहती थी। हम बताते हैं आप आपको, हम कम से कम 40 साल से इसके साथ में हैं। अभी तो 20 बोल रहे थे। 40 साल से। तुमको कौन भेजा है इसके ऊपर? हमको भेजा है, वो हाफिज है। इसका कौन लगता है? इस बच्ची का चच्चा है। चच्चा है आपको? मतलब मेरी अम्मी का चच्चा है। अच्छा, उनका चच्चा है। जी। आपके दादा हुए फिर? नहीं, मामू। नाना लगेंगे। नाना लगेंगे। क्या करने के लिए भेजा है तुम्हें? सबको बर्बाद करने के लिए भेजा। उसको बच्चा नहीं होता है, उसको बच्चा नहीं होता था, वो सब किया है सब पूरी हकीकत। जिंदा है अभी? मर गया? मर नहीं, जिंदा है। जाओ उसको ले के आओ, उसको बोलो हम बुला रहे हैं, बाबा जी बुला रहे हैं, जाओ उसको ले के आओ। अब क्यों ऐसे बताते हैं? जाओ उसको लेके आओ, उससे बातचीत करेंगे। क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो तुम? मैं मदरसा में पढ़ाता हूँ। और ये कुत्ता बना जो कर रहे हो? ये हमारी गलती हुई थी। ये गलती हुई तुम्हारे? गलती हुई थी। क्या गलती हुई? ये थे गलती हुई थी, हम सबको लेकर ये थे, ये सब कारोबार किए। अभी भी कर रहे होगे? अभी तो छोड़ दिए, ये कारोबार किए थे, परिवार बढ़ गया इसका, बहुत दिन से है परिवार बढ़ा हुआ। हम किए थे, पाल बच्चा नहीं था, हमको किए थे, फिर मेरी भी बर्बादी बहुत हुई। तो तुमको ये करने से तुमको बाल बच्चा हो गया? हाँ हुआ है। मतलब तुम इसको कर दियो तो तुमको हो गया? हाँ। पहले नहीं हो रहा था? नहीं। ये कौन है तुम्हारा? नवासा है। क्या नाम है इसका?
झाड़ू। ये वही है जो बोल रहे हैं आपके नाना? और किसको किसको की हो घर में? इसके भी शरीर को बर्बाद कर दिए, इसके पुतों को, अपने पुतों को भी बर्बाद कर दिए, बेटी का भी निस्बत नहीं लगने दे रहे, इसके बच्चे को भी बर्बाद करे, बहुत परेशान करे, पूरे शरीर में दर्द, इसको भी दर्द, इसके बच्चे को भी, छोटा वाले को पूरे शरीर में दर्द। कौन चीज में करके खिलाए थे इसको? किसको खिलाए थे इसको? ऊपर जो कियो, कौन चीज में किए थे याद है? किए थे हम प्याला, प्याला था लिखा तो बंद का कैसे आप ही हाँ। क्या कर रहे हो इसे? आप तो गलती नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, बहुत गलती हो आप करेंगे। कितनी उम्र है तुम्हारी अभी? नहीं है, दही अस्सी साल। दही में कौन कभी है? दही में कौन किया? तुम ही किए थे? हमको दही हुई का याद नहीं है। अभी नए नए में क्या कर रहे हो? नए नए तो परेशान सब बच्ची को कर। कौन बच्ची? लड़के सबको, लड़की बीबी सबको इसकी परेशान कर नए में। अभी तो तुम कहे सब छोड़ दिया। इसका ससुर कूद भेजा है। कौन ससुर? जानुल का ससुर खुद भेजा है। क्या नाम है उसका? उस खुद भेजा हमको, खुद भेजा है उसको। किसको? हमको खुद भेजा है। कौन? जानुल का ससुर भेजा है। कौन है जानुल का ससुर? नाम क्या है उसका, नाम बताओ। सब बात तुमको बता देंगे, बताना पड़ेगा। क्या तुम्हारा नाम क्या है? मेरा एक ससुर है। इसकी सास खुद भेजी है। कौन सास? इसकी बीवी खुद पूरी हकीकत की है। इसकी बीवी भी करती है? खुद हकीकत, पूरा हकीकत की है। इसकी बीवी भी टोना जादू करती है? इसकी माँ मर जाए, इसकी माँ मर, इसकी बीवी भी टोना जादू करती है? बहुत करवाई है। किससे करवाई है? करवाई है आलिम से, करवाया है। कितने साल पहले? 3 साल। क्या करने के लिए? अलग करने के लिए, माँ से अलग करने के लिए। माँ को मार खिलवाए हैं, माँ को गाली सुनवाए हैं। इसकी बीवी अलग करने के लिए माँ को मार खिलवाया है, माँ को गाली सुनवाया है। किसे करवाती हो? माँ को गाली सुनवाया है, माँ को मार खिलवाया है। किसे? अधारुल मारा है। कौन अधारुल है? ये झारुल, इसी का नाम है। माँ को खुद मारा है। सही बता रही। गाली गाली दिया है, मतलब इसकी बीवी क्या है, इसकी सास क्या है, माँ से अलग करने के लिए। माँ से औरत इसकी किससे करवाती है? को आलिम है। क्या नाम है? कौन आलिम? अब हमें इतना नहीं बताइए, अब इतना हम नहीं बताएं। बता दो, मैं नाम तो जानता हूँ उसका, मगर अगर ये नहीं मारता, ये इसकी बीवी नहीं हटती, इसकी बीवी कारोबार नहीं करती, इसकी बीवी नहीं हटती, ये मारता है, खुद माँ को मार, खुद माँ को गाली देता है। तो ये ऐसा क्यों करता है? तुम लोग करवाते हो या फिर ये अपने से करते हो? ये इसकी बीवी करवाती है। किससे करवा रही है? करवा रही है वो, किससे करवा रही है? क्या नाम बताओ, ये जानता है उसका नाम बताओ, कन्फर्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मगर तुम पहले बताओ नाम। तुम नाम बताओगे तो उसको मालूम होगा ना कि हाँ वही है। इसका नाम क्या है तो हमको पता नहीं, हमको नाम पता नहीं है। कहाँ का वो रहने वाला है? नाम पता नहीं हमको। किस एरिया का रहने वाला है? कौन एरिया में रहता है जो करता है, जिसके पास की औरत जाती है कराने? जहाँ पे जैसे मेरा ससुराल है उसी एरिया का है वो, तो वही का है रहने वाला। हाँ, साकुन का है। नाम बता दो। नहीं नहीं, जितनी उम्र है उसकी?
60 साल। तो कुछ लगता है लड़की का, इसके औरत को कुछ लगता है वो? हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। के लिए भेजा अलग करने के लिए, अलग करने के लिए। जब से तब से मतलब वो चाह रही है मेरी सास मतलब अपने बाप माँ को छोड़ करके ये अलग रहे, ठीक है ऐसा मतलब। सबको बर्बाद कर दिए, सबको बर्बाद। और कुछ पूछना आपको इससे? तो उनको बर्बाद तुम्हारा करना, अब तुमको करना है उसको बर्बाद। ये नहीं करेगा जी, ये कुछ नहीं करेगा। हम इसके साथ बहुत दिन से हैं, लड़की के साथ हम बहुत दिन से हैं, 40 साल से हैं, और बहुत लगा दिया और बहुत को बुला दिया। हम एक थे, एक के बाद बहुत को बुला दिया। तो वो आएगी कैसे? वो आएगी, वो कब आएगी? आएगी वो, अभी टाइम है आने में, आएगी वो, मगर अलग रहेगी वो, आएगी वो। बहुत बना दिया, इसकी ताकत नहीं, शरीर में इसकी ताकत नहीं, रहने नहीं दिए। बहुत सारा बीमारी है मम्मी को, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, इसमें सब बनाती है। बहुत परेशान कर दिए लड़की के, बच्ची को बहुत परेशान कर। तुम ऊपर जाओ, अब नहीं परेशान करेंगे मेरे साथ। तो ऐसे नहीं होता, अब नहीं, आप सबकी नहीं करना। अब ऊपर से ले जाओ क्या हजरत? आप यही सब करते हैं हजरत? यही करते हैं हजरत, नहीं है। सामने देखो, चलो जाओ अपनी किताब। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है? ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जा, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूं तो मैं उनको बोलता हूं भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना।
हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपीज
और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।